हेलो दोस्तों, आज हम बात करना है उत्तराखंड अधीन सेवा सेना की भर्ती धारणा को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भर्ती में जो यहाँ पर कई अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर पेपर लीक कराई की बात करी गई है और साथ में यहाँ पर धांधली काफ़ी मात्रा में हो रही है इसके यहाँ पर बताया गया था। और साथ में आपकी युक्त प्रश्न ने जो है कई लोगों को पकड़ भी लिया है और इसके आदेश जारी कर भी दिए गए हैं और इन पर जो है अब कड़ी कार्रवाई होने वाली है। और उसके साथ साथ आपको बता दूँ कि ये अभ्यर्थी बाहर भी हो सकते हैं। कुल कितने अभ्यर्थी हैं सारा कुछ आपको डाटा देखने को मिलेगा। लगभग जो है आपका BTO BPTO 800 पदों की भर्ती निकाली गई थी, उसका हाल ही में जो है रिजल्ट हुआ था। लेकिन रिजल्ट आने के बाद से कई लोगों ने जो है इस पर आरोप लगाए थे, ये भर्ती जो है धांधली हो रखी है, पेपर लीक हो रखा है। और कई सस्पेक्ट बताए गए थे, लगभग जो है 65 के करीब अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर जो है ब्लैक शिप के रूप में जो है यहाँ पर चयन किए गए हैं, ऐसा बताया गया था। लेकिन आयोग ने यहाँ पर उस टाइम कहा गया था कि हम इसकी जाँच करेंगे और जो भी जाँच में निकलेगा उसके आधार पर यहाँ पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर जो है कुछ लोगों को पकड़ लिया गया है और वो संदिग्ध बताए गए हैं और ऐसे में यहाँ पर जो है उनके खिलाफ अब कार्रवाई होनी है और उस पर से ही पता चलेगा कि यहाँ पर जो है आपका पेपर रद्द होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर अधिक ज़्यादा मात्रा में पेपर धांधली की लीक या के मामले अगर कुछ लोग और पकड़े जाते हैं तो जाहिर सी बात पेपर में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। अगर कम लोग पकड़े जाते हैं तो हो सकता है कि आपका पेपर यहाँ पर रद्द ना भी हो। ठीक है, तो आयोग पर डिपेंड करता है वो किस तरह से करता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग संदिग्ध माने गए हैं जिन पर जो है आपके अभी एक जाँच होनी है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि पेपर रद्द हुआ होगा या नहीं होगा, जो भी है आयोग का डिसीजन रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों ने पेपर धांधली कराने की कोशिश भी की हो, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल जो है 25 जो संदिग्ध हैं उस पर जो है आयोग ने यहाँ पर अपने लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है और इसकी जो जांच होगी वो पुलिस साइबर सेल भी जो है जांच करने के आदेश जारी करे हैं। तो यहाँ पर इसकी जांच होनी है और उसके बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पर जो संदिग्ध बताए गए हैं वो सही में वो उन्होंने धांधली में थे या नहीं थे, उसका जाँच होगा। लगभग जो है कई लोग यहाँ पर धांधली में थे और इसमें लिस्ट जो आपके बॉबी पवार थे उन्होंने लिस्ट में जारी करा था। लगभग जो है 68-65 के करीबन जो लोग थे उन पर एक लिस्ट बनाई थी, आयोग को भी दिया था। लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आजकल यहाँ पर हो रहे थे, तो ऐसे में जो यहाँ पर योग्यता परिसीने में जो है कई करीबन जो 25 अभ्यर्थियों की पड़ताल की गई, जिसका जो एकेडमिक बैकग्राउंड जो है सरसरी तौर पर जो है अंक जो प्राप्त अंकों हैं उनके समान यहाँ पर नहीं है। और हालांकि जो है इनके जो खिलाफ जो है आयोग के पास जो फिलहाल कोई अभी प्रमाण नहीं है बताया गया है, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा गया है कि संपर्क करने पर जो है यहाँ पर जो आपके यहाँ पर SSP STF वाले हैं अजय सिंह, उनको बताया गया है कि उत्तराखंड अधीन सेवा सेना आयोग की एक व्हाट्सएप चैट शिकायत के साथ यहाँ पर भेजी गई है। तो यहाँ पर एक चैट जो है व्हाट्सएप में भेजी गई है जिसका यहाँ पर जो है यहाँ पर नंबर ट्रेल देखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इनका जो है नंबर चेक करा जा रहा है और यहाँ कहा भी गया है कि इसमें जो है किस किस के पास जो पहुंचा है ये भी चेक कर रहे हैं। तो ये कि आपका साइबर जो सेल है उसके तहत जो है कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है और अगर यहाँ पर संदिग्ध मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कई लोगों ने किया भी हो सकता है। और पेपर लीक अगर मामला निकलता है तो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर पेपर लीक के बारे में कहा था और इसकी दावा जो है अभ्यर्थियों ने कई बार कर दिया है। कई लोगों ने जो बेरोजगार संघ वाले हैं उनका पूरा दावा है कि पेपर 100% यहाँ पर लीक हो रखा है, उनका कहना है। और साथ में उनके पास सबूत भी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया व्हाट्सएप में जो है पहले से ही लीक हुआ था, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। और इसमें जो है संदेह पर जो है 25 अभ्यर्थी भी यहाँ पर जो है इनके सस्पेक्ट पकड़े गए हैं और इस पर जो है नज़र है और आयोग ने जो है इनकी जानकारी जो है साइबर सेल को दे दी गई है और उसके बाद ही पता चलेगा। और ये अगर चेंज होता है तो कहीं ना कहीं अगर मान लो कुछ कम लोग भी मिलते हैं, 25 या 50 लोग ही मिलते हैं, तो इसमें उनको जो है बाहर होना पड़ेगा। ठीक है, जो अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं तो उनको बाहर होना पड़ेगा और मेरिट फिर यहाँ पर चेंज हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पर ये भी कहा गया है, दिक्कत ये है कि कई युवा जो है स्नातक स्तर से लेकर जो है इंटरमीडिएट स्तर और यहाँ पर सचिवालय सेवा में भी यहाँ पर जो है सफल हैं, तो तीन तीन जगह इनका सफल हो रखे हैं। यदि भर्ती का जो है क्रम बदलता है तो पूरी भर्ती कैलेंडर यहाँ पर प्रभावित हो जाएगी, जो कि यहाँ पर SS राजू जो कि अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ पर कहा गया है, SS राजू ने कहा है योग्यता परिषद ने, क्योंकि यहाँ पर जो है ये संदिग्ध पकड़े जाते हैं तो हो सकता है कि संदिग्ध सही हो, तो ये अगर पकड़े जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपका कट ऑफ जो है चेंज होगा, कई लोग जो है आपके हट ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगा, यानी कि भर्ती में जो है क्रम बदल सकता है, ऐसा पे इनका कहना है। ठीक है, तो ये हो रखा है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है इनकी जाँच पड़ताल की गई थी और पूछताछ में जो है पर कुछ शिकायतें ऐसी भी आई जिसमें आप जो है जानबूझ कर भर्ती प्रक्रिया को जो है बाधित करने के आरोप लगाए गए थे, ऐसा भी कहा गया है। और यह प्रकरण जो है साइबर पुलिस यहाँ पर की यहाँ पर जाँच करने पर निर्भर करता है कि अब जब रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली भर्ती में यहाँ पर हुआ क्या है। तो बेरोजगार संघ वाले तो बार बार लगातार कह रहे हैं कि हम जो भर्ती में कुछ गड़बड़ी है, पेपर लीक का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब जो है साइबर सेल पे लगभग जो है 25 अभ्यर्थी जो है यहाँ पर नज़र मतलब वहाँ पर जो है उनकी जाँच होनी है तो भेज दिया गया है। तो ऐसे में जो है अब चेक होगा उनका, उसके बाद ही अब डिसीजन होगा आयोग का।